बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एकदम जबरदस्त सी, शानदार सी, टेस्टी स्पाइसी फ्रूट चाट की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। फ्रूट चाट आपने काफी सारी बनाई होंगी, फ्रूट चाट की काफी सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोगों ने जरूर वॉच करनी है और जरूर उसे अपने घर में ट्राई करना है। लेकिन आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एकदम अलग टेस्टी किस्म की फ्रूट चाट। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए टेस्टी फ्रूट चाट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेंगे। गैस पे रखेंगे हम एक अदद पैन और इसमें हम डालेंगे एक कप हमारे पास खुश्क खुबानी है, जिसे हमने 20 मिनट से भिगो के रख दिया हुआ था। और यहाँ पर 2 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर फ्लेम को हम ऑन करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है और इसमें हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आने लग चुका है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि खुबानी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो आप खुबानी को सारी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। ये लें जी, यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकते हुए और आप देख सकते हैं खुबानी हमारी जो है वो जबरदस्त से सॉफ्ट हो चुकी है। और फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसे थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि खुबानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। इसे अब हम किसी ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेते हैं और जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, उससे ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। और फिर से यहाँ पर गैस पे रखेंगे हम एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे खुबानी का पल्प, जिसे हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया हुआ है। और इसी ब्लेंडर जग में हम 1/2 कप पानी डालेंगे और वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप हमारे पास इमली का पल्प है। सिंपली हमने इमली को 10 से 15 मिनट गर्म पानी में भिगो के रख दिया हुआ था और बाद में हमने गुठलियां जो है वो उनकी रिमूव कर दी हैं और इसे हम यहाँ पर अच्छी तरह से पकाएंगे। और यहाँ साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप हमारे पास चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसे यहाँ पर हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर इस चटनी की जो पकाई है वो मस्ट है, आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप इसे अच्छे से पकाएंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगी और आप इसे इस पॉइंट पर आकर तकरीबन 6 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है पहले, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये लें जी, यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट और आप देख सकते हैं इमली और खुबानी की चटनी जो है वो जबरदस्त सी गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसने ठंडा होके मजीद गाढ़ा होना है। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस में। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब हमारे पास एप्पल्स हैं, जिन्हें हमने बहुत बारीक कट कर लिया हुआ है। अगर आप लोग भी परेशान हैं कि जब आप एप्पल काटते हैं तो वो काले हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सेब काटे उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 अदद लेमन निचोड़ दीजिएगा, उससे चाहे वो घंटों पड़े रहे कोई मसला नहीं, नहीं काले होंगे। एप्पल्स को डालने के बाद 1 कप के करीब हमने केले ले रखे हैं, जिनको हमने गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1/2 कप हमने बॉइल्ड सफेद चने लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इस फ्रूट चाट की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, जो मुझे बहुत पसंद है, कि आप इसमें अपनी मर्जी का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इस फ्रूट चाट में ऐड कर दीजिएगा, जो नहीं पसंद हो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 कप के करीब हम इसमें अंगूर डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें ये किशमिश डालेंगे, ये मस्ट है, फ्रूट चाट में बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर 1/2 कप के करीब हम इसमें अनार डालेंगे और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप के करीब हमारे पास फ्रूट कॉकटेल हैं, मिक्स फ्रूट हैं, ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से या बेकरी से आसानी मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दिल खोल के चटनी, जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं।
चटनी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि जो फ्रूट्स की शेप जो है वो बरकरार रहे। और इसी दौरान मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं दिल से थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। नवाजिश है जी आपकी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्रूट चाट की जबरदस्त सी मिक्सिंग जो है वो हो चुकी है। चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मजेदार सी चटखारेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है, आप लोग इसे जरूर अपने घरों में ट्राई करिएगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, आप लोग भी इसे अपने घरों में जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।